सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आप आज यहां पर बताने वाला हूं तो इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर से पाँचवें चैप्टर तक कवर करेंगे ठीक है पाँच पहले से पाँचवें चैप्टर तक और पाँचवें से दसवें चैप्टर तक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात यह है कि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके आने वाले क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे ठीक है देखिए बच्चों ये जो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएँ तो देखो बच्चों वास्तविक संख्याओं से अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं तो देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा ये वाला चार और बयालीस का एस ज्ञात करो ठीक है तो ये वाला आपको अच्छे से कर लेना है ठीक है इसको तैयार कर लेना उसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई दे रहा है चार हज़ार बावन और बारह हज़ार पाँच सौ छिहत्तर का एस सी एफ ज्ञात करो तो एक ये बाला भी आपको कर लेना है इसका एग्जाम्पल ठीक है इसका ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है इसका उसके बाद देखो यहाँ पर हमें जितने भी ये एस सी एफ हैं 420 और 130 वाले इनको भी तैयार करना है इनको तैयार करना बेहद जरूरी है क्योंकि इन्हीं में से आपका एस आएगा ही आएगा 100% परसेंट एस निकालने को आपको आएगा ही ठीक है तो यहाँ पर ये चीज़ें ये जो पहला क्वेश्चन है ये तैयार कर लेना आप ठीक है ये चीज आपको अच्छे से तैयार करनी है इन्हीं में से आपका एस आ जाएगा यह बहुत रियर केस होगा तो आपका एक अलग से एस आएगा जिनमें जैसे ये दो वैल्यू वाले 135 225 उसमें क्या होगा कि तीन वैल्यू वाले होंगे वो ठीक है तो तीन वाला भी कभी कभी फंस जाता है तो तीन वाले का भी आप प्रैक्टिस करके जरूर जाना घर से और इस 1.1 में आपको कुछ नहीं पढ़ना है इनमें से कुछ नहीं आएगा ठीक है ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है केवल एस निकालना सीखना है आपको उसके बाद जब आप एस निकालना सीख जाएंगे तो आपको वन में देखो क्या करना है वन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर सेवन ठीक है एग्जाम्पल नंबर सेवन तो ये और ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है तो मतलब ये क्वेश्चन इन दोनों में से आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन तो ये बड़ा कमाल की चीज़ है यहाँ पर तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें इसके अलावा पहला जो क्वेश्चन है ये वाला इसमें जो गुणनखंडों के गुड़नफल के रूप में व्यक्त कीजिए ये निकालने को आता है ठीक है आवाजी गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने को तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है ठीक है ये बात हो गई यहाँ पर उसके बाद ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये एक नंबर में आने के चांसेस रहते हैं तो इसको पढ़ के जाना आप ठीक है अच्छे से पढ़ के जाना बस यहाँ से और छठा क्वेश्चन भी देख लेना छठा वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेना यानी आपको कौन सा तैयार करना है वन फोर फाइव सिक्स ये वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं एक चार और पांच छह वाले ठीक है ये क्वेश्चन आप लोग से तैयार करना उसके अलावा से देखो क्या करना है से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है आपको के सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से आपको प्रूफ करना है तो यहाँ पर जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक रूड थ्री को प्रूफ करना और रूट टू को प्रूफ करना या रूट फाइव को प्रूफ करना इन तीनों में से एक फंसेगा आप मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आया तो क्वेश्चन कैसा आएगा या तो एग्ज़ाम्पल नंबर टेन के अनुसार आएगा ठीक है या एग्जाम्पल नंबर एलेवन के अनुसार आएगा ठीक है या फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अनुसार आएगा और हो सकता है कभी रियर केस में ये वाला भी आ सकता है तो ये वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं अच्छे से ठीक है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है इसका और ज़्यादा वैसा नहीं है डिफ़िकल्ट नहीं है ये उसके बाद 1.4 से देखो 1.4 से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का ठीक है तो ये तो आपको बहुत मामूली सी चीज़ है ये आप पूरा पढ़ लेना क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंस ही जाएगा तो ये तो बहुत मामूली चीज़ है इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है देखो पहला चैप्टर जो था आपका क्लोज हो गया इतना ही इसमें पूछा जाता है उसके बाद अगर बात करें बहुपद की तो बहुपद से देखो क्या होता है यहाँ से आपको केबल और केबल कभी कभी ग्राफ वाली बात भी पूछ लेता है तो इसको पढ़ लेना ठीक है ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं ये पढ़ लेना फिर भी उसके बाद देखो ग्राफ में देखो एग्जाम्पल नंबर तीन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर थ्री ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी देख लेना एग्जाम्पल नंबर दो को उसके बाद आपका आता है इसमें ये जो सत्यता की जांच करने वाले क्वेश्चन है ना इनको जरा देख लेना जैसे ये जांच कीजिए कि की त्रिघात इस समीकरण जो है शून्य कितने हैं उसके इसके बाद शून्य को तथा तो गुणनफलों के बीच का संबंध की जांच कीजिए ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लेना जरूर आप देखो देखो 2.2 की बात करते हैं तो देखो 2.2 में क्या है यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन ठीक है ये एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन के रूप में भी आ सकता है उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा एक नंबर का ठीक है यहाँ से इन क्वेश्चनों में से तो इनको आप पढ़ लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है तो इनमें से आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर 2.3 की अगर बात करें तो 2.3 में से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं ठीक है तो इन तीनों पार्ट्स को आप देख लेना उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर नाइन ठीक है ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्पल नंबर थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से फंस जाता है कभी क्वेश्चन और ये तीन क्वेश्चन देख लेना आप ठीक है तो ये भाग विधि आपको सीखनी पड़ेगी भाग विधि अच्छे से सीख लेना क्योंकि भाग विधि में थोड़े से चेंज होके भी क्वेश्चन आ जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही पैटर्न आए ठीक है तो चेंज होके भी आ जाते हैं तो आप इसको अच्छे से सीख लेना उसके बाद अगर यहाँ पे इसका आपका चैप्टर जो है क्लोज़ हो जाता है दूसरा अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की तो देखो तीसरा चैप्टर जो है उसमें आपको जो आता है थ्री पॉइंट वन से तो कुछ नहीं आएगा ये चीज़ें आती हैं ये आप टेबल अच्छे से समझ लेना इस टेबल को ठीक है ये टेबल और ये तीन चीज़ें अच्छे से समझ लेना पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना इस पर ही न्यूमेरिकल बनेंगे मतलब क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो ये ये हैं वही चीज़ है बार बार रिपीट करी गई है सम्पाति वगैरह की ठीक है प्रतिच्छेद समांतर और सम्पाति तो देखो ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन आता है जैसे देखा है क्वेश्चन नंबर पाँच ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म का हल है या नहीं है आदित्य अमृत रुप अलग अलग ठीक है ठीके? तो ये ग्राफी विधि से हल करने के लिए भी आएगा आपके पास ठीक है एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा आपको परीक्षा में और जैसे एक क्वेश्चन है सेकंड वाला पाँच पेंसिल तथा सात कलमों का मूल्य इतना है और इतना है छियालीस रुपये इसका पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य याद कीजिए तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी फंस जाते हैं अब देखो थ्री पॉइंट टू में से ज़्यादा क्वेश्चन ये आना है सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा पूछने के लिए कि समांतर है सम्पाति है या फिर आपको प्रतिचेज करने वाली रेखाएँ दी गई तो इस चीज़ का आपको अच्छे से समझना है समझना कैसे है इस टेबल के माध्यम से समझना इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा उसके माध्यम से आप निकाल पाओगे ठीक है यहाँ से और कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला

उसके बाद ये वाला जो रेड मार्क मैंने पहले से किया हुआ है दो संपूरक कोण और ये तीसरा क्वेश्चन है एक क्रिकेट टीम के कोच सात बल्लेबाज ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है उसके बाद यहाँ पे पाँच वर्ष जेकअप की आयु इसको तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है ठीक है उसके बाद ये पाँचवा क्वेश्चन है जो भिन्न भिन्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना भिन्न भिन्न में इतना जोड़ दिया अंश में इतना जोड़ दिया हर में इतना जोड़ दिया तो ये वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं ठीक है और इसके अलावा कुछ मत पढ़ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है वरना दिमाग आपका फट जाएगा ठीक है थोड़ी बहुत मजाक भी कर लेता हूं मैं बीच में अब देखो थ्री पॉइंट फोर यहाँ पर ये ये कह रहा है ब्लोपन विधि से हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो देखो यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता दूं देखो ब्लोपन विधि प्रतिस्थापन विधि वज्रगुणन तो इनमें से क्वेश्चन जो है जल्दी नहीं आते हैं बट ये ये जो विधिया आपको सिखाई गई हैं केवल और केवल न्यूमेरिकल को हल करने के लिए तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन देख लेना ये वाला दूसरे का पहला क्वेश्चन और पांच वर्ष बाद नूरी की आयु इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखना ठीक है और यहाँ पर देखो ये तीसरा क्वेश्चन जो है दो अंकों की संख्या हो। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं अब बात कर लेते थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव पर ठीक है तो देखो यहां पर अगर बात करें थ्री पॉइंट फाइव की तो यहाँ पर थ्री पॉइंट फाइव में आपको वज्र गुणन विधि सीखनी है ठीक है तो वज्र गुणन विधि आप बिल्कुल आराम से अच्छे से दिमाग लगा कर सीख लेना ठीक है इसका फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर दिया गया है और अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सारी सीरीज़ के मतलब आंसर्स भी दे दूंगा ठीक है आंसर्स भी यहाँ पर करा दूंगा अगर आप कहोगे तो कमेंट करोगे तो उसके बाद 3.5 की अगर बात करें तो 3.5 में देखो ये जो पहला क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड का पहला क्वेश्चन ठीक है इसको तैयार करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं ये के का मान वाला याद करना है आपको ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको उसके बाद यहाँ पर देखो अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एक सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ लेना ठीक है यहाँ से आ जाते हैं बहुत बार उसके बाद आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन पाँचवा पढ़ लेना ठीक है उसके अलावा ज़्यादा मत पढ़ना और ज़्यादा परेशानी में मत पढ़ना ठीक है उसके बाद अगल अगर अगले यूनिट अगर उसके अगले एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर देखो एक एग्ज़ाम्पल दिया एग्ज़ाम्पल नंबर उन्नीस ये वाला नाब वाला ठीक है इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन ये हालांकि ये बिल्कुल हुआ हुग क्वेश्चन ये नहीं आएगा बट इससे थोड़ा रिलेटेड आएगा तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये निकालते हैं ठीक है उसके अलावा यहाँ पर देखो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे थ्री पॉइंट सिक्स है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार यहाँ से भी पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछ लेता है तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से ठीक है ये आप पढ़ लेना इनको और यहाँ से ये यह एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना रितु वाले हो गए महिलाओं वाले हो गए रूही वाले हो गए तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं पेपर में उस मार्क्स के ये आते हैं ठीक है तो इनको आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है तो ये थ्री पॉइंट सिक्स तो आपको पूरी करनी है अच्छे से ड्राइव करना क्योंकि अगर आप लेस करेंगे लेप्स करेंगे तो इसमें होगा क्या आप वहाँ पर क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे तो इसको पूरा करना अच्छे से दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छे से ये मत सोचना कि मैंने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो हो गया तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े घुमा के आएंगे इसमें हो सकता है कुछ और तरह का क्वेश्चन आ जाए ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ का इसके बाद आपकी ये जो तीसरी चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है अब बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं देखो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है फोर पॉइंट वन में फोर पॉइंट वन में कभी कभी ये कहते हैं जांच कीजिए कि निम्न जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखो है क्या ये इस टाइप के ये बहुत नॉर्मल नौर्म, चीजें हैं ये बहुत नॉर्मल चीज़ है ठीक है आप आप कर पाओगे आराम से एक्स स्क्वायर आ गया तो आप समझ जाओगे कि भैया द्विघात समीकरण है ठीक है तो ये आप कर लेना उसके बाद ये थोड़ा देख लेना बस देखना है ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट मत करना अपना उसके बाद यहाँ पर देखो एक रेलगाड़ी वाला ये जो क्वेश्चन है रेलगाड़ी वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तीन सौ छः है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना ठीक है और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करना जैसे ये रोहन की माउस से 26 वर्ष बड़ी है उसकी आयु का गुणनफल इतना है ठीक है तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है ध्यान रखना और ये देखो गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करने तो इनको देख लेना ये एग्जाम्पल नंबर फोर है थ्री है ये कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है अच्छा यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल रट लो चाहे कुछ करो करके आना परीक्षा में मैं आपको बता दूँ ठीक है अब यहाँ पर बात आ जाती है 4.2 की तो 4.2 में देखो यहाँ पर ये यह वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सॉरी थर्ड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और ये पहले का तीसरा क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे हो जाते हैं ना रूट में अटक जाते हैं तो रूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये देखो चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फस्ता है उसके बाद एक कुटीर उद्योग ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये कुटीर उद्योग वाला ठीक है तो इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना आप अब बात आती है पूर्ण वर्ग विधि की ठीक है यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि शुरू हो जाती है ये एग्जाम्पल बहुत बार रिपीट होता है इसको बिल्कुल रट लो और ये आनी ही आनी है पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग विधि जो है हर बार आती है ठीक है तो हर बार आएगी तो इसमें आपको जो रिपीट होती रहती है तो अच्छे से तैयार करना है आपको ठीक है एग्जाम्पल नंबर नौ देखना है वर्ग विधि का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र आ जाएगा आपका तो यहाँ पर एक मोटरबोट वाला क्वेश्चन है ये वाला ठीक है ये वाला पंद्रमा क्वेश्चन ये आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं और ये ये वाला देखो एग्जांपल नंबर फोर्टीन यहाँ से मूल पूछे जाते हैं ठीक है क्वेश्चन चेंज हो जाता है उसके बाद फोर पॉइंट थ्री में देखो ये सारे क्वेश्चन करना है आपको ये चीज़ें ठीक है, है अब एक चीज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ देखो यार आ, होता क्या है देखो द्विघात समीकरण जब हम निकालते हैं तो होता क्या है कई बार यार उसका आंसर नहीं निकल पाता है अगर वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां पर क्या होता है डी की वैल्यू जो होती है वो जीरो से छोटी होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है काल्पनिक मान आते हैं और जब काल्पनिक मान आते हैं तो क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व नहीं होगा बट होता है क्या बच्चे लगे रहते हैं उसे सॉल्व करने में क्या सोचते हैं मैं ख़राब कर रहा हूँ तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है परीक्षा में तो उससे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले विविकता निकाल लेना उसका ठीक है पहले देख लेना वाकई में उसके मूल निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे उसके बाद ये पूर्ण, जो पूर्ण भी उसको सॉल्व करना आप।, आप बात कर लेते हैं यहाँ पर समीकरण के मूल ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको कर लेना रहमान वाला तो काफी मैंने आपको बोला ये कि ये जो आयु वाले क्वेश्चन है ये तो छोड़ना ही नहीं है ये बहुत फंसते हैं उसके बाद ये जितने भी मैंने लाल टिक कर रखे ना ये देख लो आप यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है ये जो हॉज वाला क्वेश्चन है ये पहले बहुत पूछा जाता था आजकल जो है ये कम हो गया है बहुत बहुत कम हो गया है बहुत कम देखने में आता है लेकिन फिर भी इसे अच्छे से तैयार करके जाना हो सकता है आपके थ्री बोर्ड अच्छा थ्री बोर्ड परीक्षाएं तो निकल गई हैं आपके फाइनल है। तो यहाँ पर देखो ये तैयार कर लेना फिलहाल देख लेना लेकिन मुश्किल है इसका आना हौज वाला क्योंकि अब ये पूछा नहीं जाता है पहले हमारे टाइम में हमारे समय में ज़्यादा पूछा जाता था ठीक है अब देखो क्या है? दो वर्गों का क्षेत्रफल योग चार सौ अड़सठ है ये ग्यारहवां क्वेश्चन देख लेना आप बस इतना ही क्वेश्चन आपको देखने ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना आप उसके बाद फोर पॉइंट फोर पे आ जाओ फोर पॉइंट फोर में देखो एक क्वेश्चन ये पाँचवा क्वेश्चन क्या परिमाप अस्सी तथा क्षेत्रफल चार सौ मीटर यह आ सकता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर मूलों का अस्तित्व पूछ लेता है एक नंबर में कभी कभी कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है खाली सीख लेना कि कैसे निकालते हैं ठीक है बस कॉन्सेप्ट को समझ लेना क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का क्वेश्चन कट टू कट छप जाए ठीक है लेकिन कट टू कट जो क्वेश्चन छपता है बिल्कुल हु वो मैं आपको बता चुका हूँ पहली एग्जाम्पल नंबर आठ यही आता है परीक्षा में और हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो मैं आपको बता दूं ये कट टू कट आता है चाहे बिल्कुल रट लो नहीं आ रहा समझ में पूर्ण वर्ग विधि हालांकि मैंने इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं आप चाहो तो समझ सकते हो वहां से जाके तो यहां पर आप बिल्कुल रट लो चाहे तो उसे नहीं आ रहा है समझ में तो लेकिन आता है क्वेश्चन ठीक है अब बात कर लेते हैं पांचवी को समांतर श्रेणी सबसे प्यारी एक्सरसाइज है ठीक है सबसे अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है जिसको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके लिए तो इसके न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आसान हो जाते हैं देखो 5.1 में से कुछ नहीं आना है 5.1 में से केबल और केबल एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का जिसमें सिर्फ और सिर्फ आगे की टर्म पूछी जाती है आगे का पद पूछा जाता है तो इनमें से आपको जो प्रैक्टिस के लिए करने हैं ना प्रैक्टिस के लिए वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेने है ये 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 वाला सेट कर लेना खाली प्रैक्टिस के लिए जिसमें आगे की टर्म पूछा जा पूछा जाता है जैसे इसमें देखो इसका सार्वंतर याद कीजिए और इसके तीन पद और निकालिए तो ऐसी क्वेश्चन आएगा केवल एक नंबर का ठीक है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे 5.2 की ओर तो यहाँ पे 5.2 से पहले स्टार्ट करने से पहले देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर तीन है एग्ज़ाम्पल नंबर फोर है एग्ज़ाम्पल नंबर छः है और देखो यह देखो दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज होंगी ये वाला देख लेना इस देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान देना इन टाइम के क्वेश्चन पे ठीक है आगे भी क्वेश्चन आएंगे ये वाले ये आप देखो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि माइनस बासठ का अंतिम पद से ग्यारहवा पद याद करो आप श्रेणी चेंज कर देता है पहले हम इधर से ज्ञात कर रहे थे अब उल्टी साइड से ज्ञात करना है हमको ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर लेना भैया इसको बिल्कुल आप रट लो कुछ भी करो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना अभी एक्सरसाइज में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार करना है अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया ठीक है उसके बाद छठा क्वेश्चन है और आठवां क्वेश्चन है यह है बारवा बा क्वेश्चन है समांतर स्टडी का और ये देखो तेरहवा क्वेश्चन है चौदहवा क्वेश्चन है और यह पंद्रहवा क्वेश्चन है और ये देखो सत्रहवा क्वेश्चन अंतिम से बीसवा पद याद कीजिए ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बस और ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पर यहाँ पर देखो अट्ठारवा क्वेश्चन है ये तैयार कर लेना और इसके बाद अगर बात करें फाइव पॉइंट थ्री की तो यहाँ पर देखो बारवा बार क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम्पल नंबर बारह एग्ज़ाम्पल नंबर ग्यारह ये देख लेना और यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चन है निम्नलिखित का योग याद कीजिए प्रथम एक हज़ार धनपूर्णांकों का प्रथम एन धनपूर्णांकों का ये पढ़ लेना ठीक है अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं अब यहाँ से देखो ये जो क्वेश्चन है इनमें से भी कई बार पूछ लिया जाता है लेकिन रियर ऑफ रियर केसेस में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है तो इस पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है आपका बारहवां क्वेश्चन है तेरहवा क्वेश्चन है चौदहवा क्वेश्चन है इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको ठीक है उसके बाद छठा क्वेश्चन है सातवाँ क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन है आठवा क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं ठीक है थीके? इनका प्रैक्टिस आपको करते रहना है इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना <सदगत> कई बार इनमें से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन ठीक है और ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको इसके अलावा ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको बस पाँचवें चैप्टर तक की यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पाँचवें चैप्टर में और अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें छठे से दसवें चैप्टर तक मैं आपको बताऊंगा ठीक है कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और कोई भी डाउट हो आपको अगर आपको लग रहा हो कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ठीक है पूरी बुक में से पूरी बुक में से आप किसी भी वीडियो पे जाके इस कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ बता दो जैसे पूर्ण बर्ग भी दिया है मतलब देखो पूरा पढ़ाने का तो टाइम है नहीं तो आप हो तो आप क्या कर सकते हो आप सर कह दो कि सर पूर्ण वर्ग विधि बता दो अच्छे से समझा दो मैं समझा दूंगा ठीक है आप कहोगे कि कोई दूसरी चीज बता दो प्रायिकता का कॉन्सेप्ट समझा दो तो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ठीक है जो भी आप कहोगे वो मैं करवा दूंगा